एवरी एवरीवन वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी इन दिस वीडियो आप देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो कि चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड से हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं सी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज द डिसमेंट रिएक्शंस सो इन दिस रिएक्शन अगेन वील स्टार्ट विद एक्टिविटी हम एक एक्टिविटी के साथ इसको भी स्टार्ट करेंगे एंड वॉट इज द एक्टिविटी देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है वी हैव सेटअप दिस अरेंजमेंट एंड इन दिस अरेंजमेंट वॉट वी हैव टेकन वी हैव टेकन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ठीक है ना वॉट वी हैव टेकन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट तो हमने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाना है एंड वी हैव टू टेक थ्री आयरन नेल्स तीन हमको आयन नेल्स लेनी है नहीं लेनी है कुछ ऐसा ना हो कि पुरानी नेल्स आपने ले रही हो उसमें ऑलरेडी रस्ट लगी ऐसा नहीं लेना है न्यू नेल्स लेनी है ठीक है एंड डिप टू आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने क्या किया दो आयरन नेल्स विच यू कैन सी है दीज आर डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनको हमने डिप कर दिया अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है एक आयरन नेल को क्योंकि हमने तीन लिए हैं एक हमने रख दिया कंपेरिजन के लिए कि ठीक है हम आफ्टर द रिएक्शन कंपेयर कर पाएँ कि जो हमारी पुरानी हमने जो नील ली है और जो हमने इसमें डिप किए हैं जो नील हमने एक सेपरेट रखी है एंड द टू डर्स विच वी हैव डिप्ड व्हाट इज द कलर चेंज इन दीज नील्स ठीक है अब देखो ये हमारा आफ्टर द हमने क्या किया था इस सोल्यूशन को फॉर सम टाइम अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स कीप दोल्यूशन असाइड विद द नील्स देन वॉट विल यू ऑब्जर्व आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि स्लोली स्लोली जो कलर है सोल्यूशन का वो चेंज होने लगता है यू कैन सी दिस इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड नाउ दिस कलर हैज़ बीन चेंज्ड दिस कलर यू कैन सी इट इज चेंजड एंड इट बिकम्स फेडेड ग्रीन ठीक है ना क्या कलर हो जाएगा इसका फेडेड ग्रीन कलर तो ये कलर क्यों होता है ऐसा क्योंकि देखो जो हमारे आयन नेल्स हैं आयन क्या है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ठीक है हमारी जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हम मेटल्स को देखें तो कुछ मेटल्स हमारे मोर रिएक्टिव होते हैं कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है ये हमें पता है तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा आयन है तो आयन कैन डिस्प्लेस द कॉपर अब कॉपर को किस में से डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है देखो एफ ई दैट इज आयन इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म इट रिएक्ट्स विथ सी यू एस ओ फोर दैट इज एक्वस फॉर्म हमने क्या लिया पानी में लिया वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो वॉट डज दिस फॉर्म एफ जो है वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को मीन्स इट फॉर्म्स एफ ई एस फोर दैट इज अगेन एक्वस एंड कॉपर दैट सेपरेट्स तो यहाँ देखो अब ये हमारा सॉल्यूशन तो ऐसा हो गया और ये वो आयरन नेल है जो हमने डिप की थी दिस वन ठीक है ये जो हमारी आयरन नेल है दिस इज डैट वन आयर नेल विच वी हैव डिब्ड और यह हमारी जो सेपरेटेड थी तो हम वॉट वी आर सींग हमने क्या देखा कि दिस दिस आयर नेल हैज सम दिस ब्राउन कलर कोटिंग इज ऑफ कॉपर राइट मीन्स क्या हुआ कॉपर सल्फेट से कॉपर हैज़ बीन रिमूव्ड एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड किस पर डिपॉजिट हो गया यह आयर नेल पर और जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया हमारा आयन सल्फेट फेरसल्फेट तो यह हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें हमेशा याद रखना दैट मोर रिएक्टिव मैटल डिस द लेस रिएक्टिव मैटल सो वॉट आर द डिसमेंट रिएक्शंस डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस आर द रिएशंस इन विच आ मोर रिएक्टिव मैटल डिसप्लेस इज द लेस रिएक्टिव मैटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन सो दिस इज अ कंडीशन जब तक आपका मोर रिएक्टिव मेटल नहीं होगा इट कान डिस्प्लेस द अदर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन सो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको एक रिएक्शन दी जिसमें आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है विद द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल एंड देन दे आज वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट तो उस केस में क्या लिखते हैं हम कि नहीं रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी फॉर एग्जाम्पल यदि रिएक्शन आपकी ऐसी आ जाए कि कॉपर है और कॉपर रिएक्ट कर रहा है एफ ही एस ओ दे विल आस्क वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नो यू विल राइट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस क्यों नो no रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है दैट इज लेस रिएक्टिव और जो आयरन है दिस इज मोर रिएक्टिव तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जबकि मोर रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल तो हम एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं इसकी वन रिएक्शन इज ऑफ जिंक वेन जिंक रिएक्ट विदर सल्फेट राइट जिंक रेन्यूल्स होते हैं सिल्वर ग्रे कलर के एंड देन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है यहाँ भी देखो ये सॉलिड ही रहेगा ये एक्वस है इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट पूछा जाए किस कलर का है तो ये आपका आप लिखोगे कलरलेस राइट एंड देन कॉपर विल बी सेपरेटेड वन मोर रिएक्शन इज देअर दैट इज ऑफ लेड लेड भी कॉपर से रिएक्टिव है तो लेड विल रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड हेयर अगेन कॉपर क्लोराइड इज एक्वस लेड इज सॉलिड और जब ये लेड कॉपर क्लोराइड सिलेक्शन करता है लेड डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, फ्रॉम कॉपर क्लोराइड तो क्या होगा आपका क्या बना यहाँ पर लेड क्लोराइड बना दैट इज एक्वस अगेन और कॉपर विल बी सेपरेटेड तो ये इस तरह से हमने क्या देखा आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन हैं इजिली आप इन रिएक्शंस को लर्न कर सकते हो और ये आपको इस तरह से भी लर्न हो जाती है इससे आपको एक मेटल्स की रिएक्टिविटी का भी पता चलता है कि विच मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड विच आर लेस रिएक्टिव ये आपको अभी जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज होती है राइट तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कवर कर लिए इन द नेक्स्ट वीडियो विल अगेन मीट विद द रिएक्शन दैट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय आए